आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। नवरात्र के बाद करवा चौथ की खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ शुरू हो गई है। साड़ी, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। खरीदारी करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में। जी हां, आपको बता दें कि कल यानी 13 तारीख को करवा चौथ का व्रत, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, और सुहागन महिलाएं हर साल बहुत ही धूमधाम से करवा चौथ का व्रत पूरे दिन उपवास रह के शाम को अपना व्रत तोड़ती हैं, जो कि चांद को देखकर अपने पति के हाथ से ही ये करवा चौथ का व्रत को ख़त्म करती है। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थ तिथि को ये करवा चौथ का व्रत को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो कितने धूमधाम से करवा चौथ का व्रत की तैयारी कर रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, और ये एक महीने पहले से ही सारी महिलाएं करवा चौथ के व्रत का तैयारी करने लगती हैं और बहुत ही उत्साह से अपनी ये तैयारी करती हैं। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा है। मैम आप करवा चौथ का व्रत, ये आपका पहला व्रत है गरिमा जी, तो आप किस तरह से तैयारियां कर रही हो और कैसे आप एक्साइटेड होंगी इसको लेके, किस किस तरह के? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा अपनी मेहंदी को लेके मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी तैयार व्यार होना ये है, पिछले 2-3 हफ्तों से शॉपिंग ही हमारी चल रही है। तो मैम क्या क्या आप तैयारियाँ की उसके बारे में कुछ बताइए। बाकी ज्वेलरी ली, ड्रेसिंग ली, सब कुछ, बस वही तैयार हो, बस ये फास्ट करो और देखते हैं कल क्या व्रत में क्या क्या ऐसे तैयारियां किया जाता है। आपको भी पता है कि पूरा दिन उपवास रखा जाता है, इसमें किस तरह से होता है, फिर शाम को चांद देख के हम करते हैं। हाँ जी, पूरा दिन फास्ट वही रखना होगा, बिना पानी और खाने के रहना होगा। बाकी शाम को फिर वही चांद देख के जो बनता है, हमारे यहाँ कड़ी से पूजा होती है, तो उस चीज़ का पहले भोग चांद को लगाते हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड की फ़ोटो देख के फिर तो उनसे ही फास्ट खुलता है शाम को। तो मैम इसमें आप पति के कुछ गिफ्ट भी देते हैं या कुछ ऐसे आपके पति भी? हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनकी अपनी मर्जी है, बाकी गिफ्ट देना होता है वो देखिए कल मिलेगा तो कल बताते हैं। चलिए चलिए, थैंक यू। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि करवा चौथ का व्रत को वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी जो सुहागन महिलाएं हैं वो किस तरह से मेहंदी लगा रही हैं, अपने हाथों में रचा रही मेहंदी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम आप करवा चौथ का व्रत कितने सालों से रह रही हैं और किस तरह से तैयारी करती हैं उसके बारे में? मैं करवा चौथ का व्रत पिछले 30 साल से रह रही हूँ, और तैयारी करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। हम लोग अभी सब शॉपिंग करके आए हैं, सुहाग के सामान, मेहंदी लगवा रहे हैं, कल तैयार होंगे, क्लब के फंक्शन में जाएंगे, थोड़ा डांडिया वगैरह होगा, बस यही सब करवा चौथ का आनंद लेते हैं। मैम ये व्रत का क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आप लोग व्रत करती हैं, क्या क्या उसमें आप सामान को मतलब यूज करती है? सिर्फ लाल ही मतलब, और भी बोलते हैं कि लाल साड़ी, लाल चूड़ी, क्या उसके अलावा और भी कोई रंग नहीं ऐसे इस्तेमाल करते, उसके बारे में कुछ? नहीं, रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा रंग है, पीला रंग है, ये सब सुहाग के रंग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लाल ही पहने। और व्रत के लिए तो सुबह से निर्जल उपवास किया जाता है, शाम को करवा चौथ की पूजा बहुत सजा के धूमधाम से करते हैं। व्रत, करवा चौथ का व्रत करना तो एक बहुत बड़ा
शौक भी बन गया है आजकल, लड़कियां भी करने लगी हैं, तैयार होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ को मिलाकर मिलकर व्रत करते हैं, कथा करते हैं इसकी, तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। थैंक यू मैम। तो आइए और भी लोगों से, मैं यहाँ पे जो सुहागन महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप करवा चौथ का व्रत, 2 साल से कोविड आ गया था, तो तैयारी करने में क्या दिक्कतें हुई और इस बार बहुत अच्छे से आप लोग करवा चौथ मना रही हो क्योंकि हर जगह सब चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बात सही है कि कोविड के कारण थोड़ा सा वो था, लेकिन अब की बार ज़्यादा अच्छे उत्साह से सब लोग करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं और मैं तो लखनऊ में आई हूँ तो पहली बार ये फर्स्ट टाइम है मेरा इस तरीके से मेहंदी लगवाने का। ये तो हम लोग घर पे ही अपना पूरा मेहंदी का कोन बनाते थे, लगाते थे, तो ये भी अच्छा लग रहा है, फटाफट मेहंदी लग रही है यहाँ पे और अच्छे से हम करवा चौथ मनाएंगे। तो मैम, करवा चौथ में पकवान क्या आप लोग शाम को जो आप लोग व्रत अपने पति के हाथों से मैम ख़त्म करती हूँ उसमें पकवान क्या क्या मैम इस्तेमाल करती हूँ उसका कुछ बताइए। देखिए, हर रीति रिवाजों में बहुत सारा अंतर हो जाता है हर घर में, लेकिन हमारे घर में ऐसा रहता है कि हम लोग सुबह के समय में कुछ पूड़ी सब्जी वगैरह बनाते हैं और शाम को हम फरे कढ़ी चावल, मतलब कच्चा, मेनली कच्चा खाना बनाते हैं और उसमें फरा मुख्य रूप से होता है और करवे के अंदर हम लड्डू रखते हैं, पूड़ियाँ बना के रखते हैं। नए चावल का महत्व होता है क्योंकि फसल इस समय कट के आ गई होती है, तो त्योहारों, हिंदू धर्म में त्योहारों का महत्व ही सारा कुछ प्रकृति से जोड़ करके ही रखा हुआ है, तो इसीलिए जब नया चावल आया तो एक व्रत रख दिया, मतलब उसको इस तरीके से बना दिया कि हर घर में हर गृहिणी करने का मन करे, उसको टालने की कोशिश ना करे। तो पुराने समय में किसी भी व्रत या पूजा का कोई भी जो भी महत्व है वो सब कुछ प्रकृति से जोड़ कर है। तो मैं, आप कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रखती हैं आप? हमें 30 साल हो गया मुझे करवा चौथ का व्रत रखते हुए। तो आइए और भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर करवा चौथ व्रत का क्या उद्देश्य है और वो किस प्रकार से ये व्रत रखती हैं और क्या इसके रीति रिवाज है। मैम आप, तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है कि वो करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करती हैं और उनकी क्या उद्देश्य है और हर शहर में अलग अलग रीति रिवाज से करवा चौथ रखा जाता है। मैम, करवा चौथ हर साल मतलब होता है और आप लोग करवा चौथ का व्रत बहुत ही आप लोग के लिए खास होता है सुहागन महिलाओं के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? मैम कुछ बताइए, आप कितने सालों से व्रत रखती हैं और आप जब शाम को अपना व्रत ख़त्म करती हैं तो उसमें कौन कौन से पकवान लगाती हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। पकवान कुछ भी, हम खुद ही होटल में जाते हैं खाना। ये तो बता सकते कितने सालों से आप व्रत रखती हैं, पहला आपका फास्ट है या कुछ ऐसे बताएंगे? नहीं, व्रत तो हम 14 साल से रहते हैं जी। और करवा चौथ क्या क्या तैयारियाँ करती हैं उसके बारे में बता दीजिए। कपड़े लेते हैं नए, मेहंदी लगवाते हैं। तो आइए और भी महिलाएं जो यहाँ पे सुहागन महिलाएं बहुत ही धूमधाम से पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी महिलाएं बहुत ही उत्साह के साथ अपना मेहंदी लगवा रही हैं और करवा चौथ का व्रत की तैयारी कर रही हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं यहाँ पे। मैम, आप करवा चौथ के व्रत का तैयारी कर रही हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, ये पूरे देश में बहुत ही अलग अलग रीति रिवाजों से करवा चौथ का व्रत बहुत ही धूमधाम से, कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। यार, मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक फास्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट बिकॉज़ वी लव आवर हस्बैंड सो वी फास्ट। मैम, क्या तैयारी करती हैं आप जब शाम को आप व्रत तोड़ती हैं अपने पति के हाथ से, तो उसके लिए कुछ तैयारी करती हैं आप? ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरा पूरे दिन ऑफिस रहता है। हाँ, सो ये एक्चुअली ये सब तो फॉर्मेलिटीज होती हैं, मेन थिंग इज टू डू फास्ट। यस। मैम, कितने साल से आप व्रत रख रही हैं? 8 years। यस। आइए और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करते हैं। मैम, आप बताइए, करवा चौथ का व्रत पूरे शहर में बहुत ही एक अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है, तो आप लोग किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत करते हैं? मैम कुछ बताइए, कितने सालों से आप व्रत रखती हैं ये बताइए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो मैम, क्या तैयारी करती हैं उसमें, शाम को आप अपना व्रत कैसे ख़त्म करती हैं, कुछ पकवान क्या क्या बनाती हैं उसके बारे में बताइए। क्या बताऊँ,
आइए और भी मैम से हम लोग बात करते हैं। मैम आप अपना बताइए कि आप करवा चौथ का व्रत कितने सालों से रख रही हैं? सेवन। तो मैम शाम को जब आप व्रत रखती हैं तो किस प्रकार से आप कैसे तैयारी करती हैं उसके बारे में? हम तो वर्किंग हैं तो फिर हम बाहर चले जाते हैं। तो मैम ये पूरे भारत देश में बहुत ही अलग रीति रिवाज से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, आप कैसे रखती हैं इसको? मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रखती हूँ, दिन भर फास्ट, शाम को पूजा, पूजा के बाद तोड़ते हैं पानी पी के फास्ट, एंड देन वी गो आउट, वी स्पेंड टाइम यू नो आउटसाइड, हम बाहर कहीं जाते हैं ऐसे हैंग आउट करते हैं। आइए और भी लोगों जो हैं मैम यहाँ पे जो सुहागन महिलाएं बैठी हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जो करवा चौथ का व्रत है कैसे रखती हैं और किस प्रकार शाम से अपने पति के हाथों से। मैम ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, करवा चौथ का व्रत कैसे आप रखती हैं? रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है व्रत, कुछ लोग सरगी करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं, रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है व्रत, शाम को चांद को अर्घ दे के तब तोड़ते हैं। तो मैम चांद तोड़ के तो मैम क्या शाम के अलग एक जो खान पान जो पकवान? हाँ हमारे यहाँ कच्चा पक्का खाना दोनों बनता है, हाँ वही चढ़ता है भगवान को, वही हम लोग तो कह रहा था कि पति भी व्रत रखते तो क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पति नहीं रखता। तो मैम इसमें और भी कुछ है जैसे कि आप कितने सालों से रख रही हैं व्रत? ये 8वां साल है। जी तो मैम पिछले बार तो कोविड 2 साल से आ रहा है तो ये सब करने को आपको मौका नहीं मिला होगा, शॉपिंग आप करने का मौका? अच्छा तो किया था, वैसे ही हो रहा है सब। आइए और भी यहाँ पे मैम है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपना ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं और किस प्रकार से अपना व्रत को ख़त्म करती हैं। मैम आप कितने साल से व्रत रख रही हैं? 7 साल से। तो मैम 7 साल से व्रत रख रही हैं, क्या तैयारियां करती हैं आप, कितनी है इसके लिए एक्साइटेड होती हैं, कैसे कैसे तैयारी करती हैं इसके बारे में? पहले से तैयारियां तो होती हैं, शॉपिंग चालू हो जाती हैं साड़ी की, और सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के सरगी खाना, फिर सुबह से व्रत करना, फिर शाम को पूजा करके व्रत तोड़ना, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है करवा चौथ की। तो मैम ये जो व्रत रखती हैं इसकी कोई मतलब पूजा में मैम ऐसे क्या प्रोसेस होता है कुछ आप लोग अलग? प्रोसेस तो सेम ही रहता है, जैसे पूजा नॉर्मली की जाती है करवा चौथ में वैसे ही पूजा की जाती है हमारे यहाँ भी। थैंक यू। कैमरामैन दीपक के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। चौथ का पवित्र त्यौहार इस वर्ष 13 अक्टूबर 2022 को रखा जा रहा है। यह त्यौहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, चतुर्थी तिथि के कारण इसे चौथ कहा जाता है, करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। करवा चौथ का इंतजार सुहागन स्त्रियां पूरे वर्ष करती है क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ये उनके बीच का प्यार बढ़ाता है। करवा चौथ का त्यौहार सिर्फ पति पत्नी का ही त्यौहार नहीं, इसमें मायके और ससुराल दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मायके से आया हुआ बया भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से ये व्रत किया जाता है, और सास की तरफ से जो सरगी दी जाती है, पति की तरफ से जो सरगी दी जाती है उसी से ये व्रत आरंभ होता है। आइए बात करते हैं कि ये व्रत कैसे रखा जाता है और क्या विधि विधान है। आज के दिन लगभग ये व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है शाम से, क्योंकि घर पे जब सरगी आ जाती है तब से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। सरगी सास ससुर या पति के द्वारा व्रत धारक स्त्री को दिया जाता है,
उनको नारियल, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़ा, ज्वेलरी, जो भी सुहाग के सामान होता है वो सारा कुछ दिया जाता है। और उस सुहाग के सामान मिलने के साथ यानी कि सरगी मिलने के साथ ही यह व्रत शुरू होता है। इसमें सुबह जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो सुबह जल्दी उठती हैं, जब तक कि तारे निकले रहते हैं तब तक सरगी खाने के बाद ही यह व्रत शुरू होता है। सरगी में दूध फेनियाँ जरूर बनती हैं, क्योंकि दूध फेनियाँ को रख के ही सुहागन स्त्री व्रत प्रारंभ करती है। इसके अलावा फल, मिठाई, खाने में जो भी खाना हो खाया जाता है। उसके बाद तारा निकले निकले ये खाया जाता है, क्योंकि तारे अगर डूब जाते हैं तो उसके बाद खाना नहीं खाया जाता, वहीं से ये व्रत शुरू होता है। इसके बाद पूरा दिन सुहागन स्त्रियाँ निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखते हुए दिन में वो 16 श्रृंगार करती हैं, ओढ़ती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, ज्वेलरी पहनती, पूरा दिन सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे से 5 बजे तक करवा चौथ की कथा कही जाती है। इसमें सुहागन स्त्रियां मिलती हैं, कई सुहागन स्त्रियां मिलके 5, 7, 11, 21 जितनी भी स्त्रियां मिल सके वो एक खुले स्थान में बैठती हैं, जो कि स्पेस ओपन होना चाहिए। वहां पे स्त्रियां सर्कुलर मोशन में बैठती हैं और करवा माता की कथा कही जाती है। ये तो सुहाग का प्रतीक होता है मेहंदी, तो और करवा चौथ में शुभ होता है, सभी जो होती हैं स्त्रियाँ लगवाती हैं मेहंदी है। कल करवा चौथ रहता है तो एक दिन पहले सब हम लोग मेहंदी लगवाते हैं। कल पूजा पाठ करेंगे, क्या क्या करेंगे? शाम में जब चंद्रमा निकलने से पहले कथा होती है, फिर उसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है। हम लोग करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रहे हैं, सुहाग की निशानी होती है और सज धज के रहेंगे। कल पूरा निर्जला व्रत रखेंगे, फिर शाम में व्रत तोड़ेंगे चांद देख के, अपने हस्बैंड को देख के, तो इसलिए हम लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, सजेंगे सवरे की। लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और पूजा तो वैसे सुबह सरगी की रस्म के बाद, फिर सारा दिन निर्जला व्रत रहता है और शाम को 4 बजे हम लोगों में थाली बदलने की रस्म होती है। मैं पंजाबी हूँ इसलिए थाली बदलने की रस्म होती है और उसमें कथा सुन के पूजा की जाती है और रात को चाँद देखने के बाद पानी पिया जाता है। पति की करवा चौथ का व्रत है कल और 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार मेहंदी का श्रृंगार भी कहलाता है, तो इसलिए मैं करवा चौथ के लिए व्रत रख और मेहंदी लगवा रही हूँ। सुहागनों के लिए एक त्यौहार होते हैं करवा चौथ, जो हम पूरे साल के लिए वेट करते हैं, ये उसी के लिए हमारी तैयारियां चल रही है, जिसके लिए हम हर साल एक्साइटेड रहते हैं कब करवा चौथ है और कब हम इतना सजे दोबारा से। खरीदारी तो ख़त्म नहीं हो रही है, अभी तो चल ही रही है, खरीदारी ख़त्म नहीं होगी जब तक त्यौहार ना चला जाए। देखिए अभी तक तो हम पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ा कि हमें महंगाई लगे, पर कुछ चीज़ों के रेट ज़्यादा है, कुछ चीज़ों के हमारे हिसाब से है। कई चीज़ों को लेके हमें लगता है हाँ, जैसे फेस्टिवल आते तो हर कोई रेट बढ़ा देता है, तो उसको लेके थोड़ा बहुत है, अदरवाइज ठीक है सब कुछ हमारे लिए। जी बहुत अच्छी है फिलहाल, थोड़ा सर कम है क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन करने लगे। ऑनलाइन से किसी को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में डैमेज सामान मिलता है, यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। दूसरी बात, इस दुकान में बहुत ही अच्छी साड़ी मिलती है। हम करवा चौथ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, उसी के लिए हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं और कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं। नहीं, हमारे कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा है, हम एक्चुअली एम्स में ही हैं नर्सिंग ऑफिसर, तो खुद कमाते हैं, खुद की सैलरी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है।
इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।